ये लो, आपके पास एक पुली है, इस पुली में इसका मास 5 kg है ब्लॉक का, ये मान लो 2 kg है, 2 kg है, तो आपको क्या करना है, इसकी एक्सेलरेशन बतानी है नीचे आने की और इसके ऊपर जाने की। मान लो एक्सेलरेशन की वैल्यू a है और आपको a की वैल्यू बतानी है इसमें क्या है। तो क्वेश्चन है, पुली है, दो मासेज हैं, एक्सेलरेशन बतानी है। आपको पुराने दिन याद आ रहे होंगे जब फैसला हो गया था कि हम नॉन मेडिकल के लिए फिट हैं, जब हमने पहली पुली की थी हमें समझ में आ रही है फिजिक्स, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो वापस वो दिन वापस आ गए, फिर से पुली आ गई, बस एक फ़र्क है, हमने आज तक पुली क्या ली, मासलेस। अब हम क्या लेंगे, पुली का मास, रोटेशनल मोशन। तो लिखें, पुली का जो मास है वो 1 kg है एंड रेडियस 1 meter है। लो, ये फ़र्क है, नहीं तो अगर सेम क्वेश्चन होता तो देता क्यों, तो कर ही लेते आप। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं क्या डिफरेंस है। और बहुत लोग पूछते भी थे लॉज ऑफ मोशन में, सर पुली का मास क्यों नहीं लेते, मास, मैं कहता रुक जाओ मास भी ले लेंगे। तो अब मास भी आ गया, पुली को आपने क्या मानना है, डिस्क, याद रखना पुली इज अ डिस्क, ठीक है। और पुली का जो एक्सिस है वो कहां से पास करता है, पुली के सेंटर से, ठीक। तो पहली क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन तो लॉज ऑफ मोशन ही करना है। पहली क्वेश्चन, इसका वेट और यहां पे क्या टेंशन, ये लो, यहां पे ये डायग्राम बना रहा हूं, तो इसका वेट कितना है 5g, इसका वेट कितना है 2g, यहां पे टेंशन क्या है TNT, अगर टेंशन टी होगी फिर क्वेश्चन में फर्क क्या रहेगा, टेंशन TNT नहीं है, टेंशन बराबर इसलिए रहती थी, इसका मास नहीं था, एक ही रस्सी से दो मास कनेक्टेड थे। अब प्रॉब्लम क्या है, ये मास इस मास के साथ अटैच्ड है और ये वाली स्ट्रिंग इन दो मासेस के बीच में, इसका मास है, टेंशन बराबर नहीं ले सकते, तो यहाँ पे टेंशन T1 और यहाँ पे टेंशन T2, बस यही फर्क है। अगर पुली का मास नहीं है टेंशन सेम है, पुली का मास है टेंशन डिफरेंट है। क्लियर है यहाँ तक, क्या डिफरेंस है दोनों में। अब आपने क्या करना है इसमें, अब इसमें ये फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा इसका और एक इसका, तो इसमें क्या होगा, 5g माइनस T2 इज 5 into a, फर्स्ट इक्वेशन, और इसकी इक्वेशन T1 माइनस 2g इज 2 into a, इसकी इक्वेशन। मेरे ख्याल से लॉज ऑफ मोशन सी के इक्वेशन तो क्लियर है सबको, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, दो इक्वेशंस हैं और 3 variables हैं, T1 है, T2 है और a है, और आपको एक और इक्वेशन चाहिए इन 3 variables को सॉल्व करने के लिए, और वो एक और इक्वेशन कौन बना के देगी, पुली। तो पुली का बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, तो बनाओ फिर, ये रही आपकी पुली। इस पुली के इमीडिएटली यहाँ पे फोर्सेस जो काम कर रही हैं वो है टेंशन T2 एंड T1, और ये पुली का एक्सिस है, ये पुली का एक्सिस है, दोनों फोर्सेस से, एक्सिस से और फोर्स के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है यहाँ तक। ये बताओ ये पुली कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, कैसे पता लगा आपको, क्योंकि 5G पड़ा है, राइट, तो ये क्लॉकवाइज। न्यूटन का लॉ हमेशा कहता है, सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, पर यहां पर नेट फोर्स नहीं क्योंकि बॉडी घूम रही है, तो नेट टॉर्क इज I into alpha, तो नेट टॉर्क। अब ये बताओ इसके ऊपर T2 फोर्स है और एक्सिस से ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो T2 ने कितना टॉर्क लगाया, R into T2, और डायरेक्शन कैसी है इसकी, क्लॉकवाइज, T2 into R, फोर्स into परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा, कोई डाउट इसमें। और T1 into R या R into T1 कैसे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, पर क्योंकि क्लॉक, क्योंकि आपने बोला अल्टीमेटली तो क्लॉकवाइज घूम रही है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो दोनों को माइनस कर लिया। अब एक बात बताओ, नेट टॉर्क
नेट फोर्स क्या होती थी? मास इंटू एक्सलेशन। नेट टॉर्क क्या है? आई इंटू एल्फा, मास की जगह आई और एल्फा। देखो ना, न्यूटन का सेकेंड लॉ ही लग रहा है, रोटेशनल में लग रहा है, तो नेट टॉर्क इज आई इंटू एल्फा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? एक एक्स्ट्रा इक्वेशन क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज ये बताओ, इसके अंदर ये जो एक्सलरेशन देख रहे हो इस ब्लॉक की, अगर मैं ये वेक्टर को यहां बनाऊं, तो ये एक्सलरेशन की वैल्यू इस पुली के लिए टेंजेंट है, जो ए की ए वेक्टर है इस पुली का टेंजेंट है, और इस पुली का रेडियस कितना है? आर है, और पुली रोटेट कर रही है विद एल्फा। तो आज मैंने अभी आपको सर्कुलर मोशन करवाया, ए इज इक्वल टू आर इन टू एल्फा एप्लीकेबल है। तो ए में इसकी एक्सलेशन ए में, और पुली के घूमने की एल्फा में क्या रिलेशन है? ए इज इक्वल टू आर इन टू एल्फा। तो मेरे को क्योंकि क्वेश्चन में ए निकालना है, तो जहां एल्फा आर है वहां मैं रिप्लेस करूंगा क्या? ए बाय आर। तो ये तो बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसमें एल्फा को ए में, ए को एल्फा में कन्वर्ट आराम से हम करते रहते हैं बाय फॉर्मूला ए इज इक्वल टू आर एल्फा। तो यहां पे आर कॉमन आ गया, टी टू माइनस टी वन, डिस्क का आई क्या होता है बोलो? हाफ एम आर स्क्वेयर, और एल्फा की जगह कितना? ए बाय आर, क्योंकि मैं एल्फा चाहता नहीं हूं, मैं तो ए निकालना चाहता हूं, तो एल्फा को लिमिनेट करके ए बाय आर पुट कर दिया। तो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है आर 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 और आर सब कैंसिल, एक आर यहां से कैंसिल, एक डिनोमिनेटर से कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया? टी टू माइनस टी वन हाफ, मास आपको पुली का वन पता है, इनटू एक्सलरेशन। ये आपकी इक्वेशन नंबर थ्री। बस बात बन गई, आपको तीसरी इक्वेशन चाहिए थी, वन टू और थ्री को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके टी वन टी टू और ए कैन बी कैलकुलेटेड। ये तरीका है इस पुली सिस्टम को सॉल्व करने का, अगर मान लो पुली का मास गिवन हो तो ऐसे सॉल्व करना है। इतना नहीं होना, खुल जाएगा चैप्टर अभी। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट इसमें? फिर तो इंटीग्रेशन है ना, टेंशन हर जगह पे चेंज है, तो बहुत कम, वो तो लॉस ऑफ मोशन में भी नहीं था, चेन लगा सकते हो, चेन इंटीग्रेशन से सॉल्व, सेंटर ऑफ मास ऐसे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो आइडिया समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? आधा तो मैंने आपको हमेशा बोला था लॉज ऑफ मोशन की तरह ही है, आगे फिजिक्स कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखना। देखो जिसको लॉज ऑफ मोशन आता है उसके लिए एक ही क्वेश्चन सीखी, उसने कुछ भी नहीं सीखा, एडिशन हो गया। नेट टॉर्क इज आई इंटू एल्फा, एम इंटू ए की जगह, एम की जगह रोटेशनल मोशन में आए और ए की जगह एल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा लगाया है, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। चलो फिर से लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आई होप। टी वन टी टू और ए तो निकाल ही लोगे आप यहां से। फिर एक और एग्जांपल नोट करो, लेट अस सपोज आपके पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे ये एक पुली है, ये एक मास लगा हुआ है, ये पहला मास है और ये दूसरा मास है, ये 30 डिग्री है, 5 केजी है, 2 केजी है, आपको एक्सलरेशन निकालनी है। मास ऑफ पुली क्वेश्चन में गिवन है 1 केजी है एंड रेडियस की वैल्यू 1 मीटर है। फिर से एक बार, मास वाली पुली है, सेम क्वेश्चन कर रखे हैं लॉज ऑफ मोशन में, मासलेस कर रखे हैं, तो ऑब्वियसली टेंशन दोनों स्ट्रिंग में डिफरेंट लेनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या बताया था अभी, इसकी एक फोर्स नीचे लगेगी, इसकी फोर्स यहाँ लगेगी, ये फोर्स यहाँ लगेगी टेंशन, और ऐसे यहाँ पर भी एज इट इज सेम टी 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 एंड टी, पर प्रॉब्लम ये है यहाँ पे टेंशन टी वन टी वन, यहाँ पे टेंशन टी टू टी टू, क्योंकि मासलेस पुली नहीं है इसलिए। ठीक है, तो ये तो कुछ नया नहीं है, ये तो लॉज ऑफ मोशन वाला कॉन्सेप्ट ही है, सही है। तो इसमें ये फोर्स कितनी होगी बोलो? 2g साइन ऑफ 30, मेरे ख्याल से mg, mg cos, mg साइन, तो मैं क्या ही ड्रॉ करूँ, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो फोर्स नीचे की तरफ है, ठीक, क्लियर है यहाँ तक? इक्वेशन बनाए, पहली इक्वेशन तो 5 kg की बनी जाएगी,
5g माइनस t1 इज 5 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे इसका वेट कितना है 5g, तो 5g माइनस t1 इज 5 इंटू ए। दूसरी इक्वेशन इस ब्लॉक की, t2 माइनस 2g साइन 30 इज 2 इंटू ए, सेकेंड इक्वेशन। t2 माइनस 2g साइन 30 इज 2 इंटू ए। क्लियर है यहां तक? और तीसरी पुली, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ये लो। पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले एक फोर्स यहां एक्ट कर रही है T1, और एक यहां एक्ट कर रही है T2 ये लो। और रेडियस इसका कितना है R, एक्सिस से, एक्सिस का है ये, इसका एक्सिस है ठीक है, तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है R। ठीक, नेक्स्ट है पुली कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ठीक है, क्लॉकवाइज क्योंकि बड़ा मास है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू कितनी है, किसने लगाया क्लॉकवाइज टॉर्क? T1 ने। T1 और R में 90 डिग्री एंगल है, तो कितना टॉर्क लगेगा R इंटू T1 क्लॉकवाइज। तो ये पुली को कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन उल्टा कौन घुमा रहा है, टेंशन T2। तो टेंशन T2 का टॉर्क क्या है, R इंटू T2। नेट टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज टॉर्क माइनस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, सही है। और न्यूटन का लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह नेट टॉर्क इज मास की जगह आई, और ए की जगह एल्फा। क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर R कॉमन आ गया, क्या बचा T1 माइनस T2। पुली का आई क्या होता है, हाफ mr2, और अल्फा की जगह a/r, तो स्टैंडर्ड है, a इज r अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू a/r। यहां से r की वैल्यू r से कैंसिल, r की वैल्यू r से कैंसिल, t1 माइनस t2 हाफ इंटू पुली का मास इंटू a। तो इन तीन इक्वेशंस को 1, 2 एंड 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके T1, T2 एंड A कैन बी कैलकुलेटेड। तो आपको समझ में आ रहा है कि इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कोई डाउट इसमें? आधा लॉज ऑफ मोशन है, बस एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, और वो पुली की इक्वेशन कैसे बनेगी, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से बनेगी।